विनीत, आपको इस सक्सेस स्पीक्स प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच सर। जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम का जो मकसद है, मोर देन 200 एपिसोड्स अभी तक टॉपर्स के बन चुके हैं, कि आपकी स्टोरी से, आप जैसे कैंडिडेट की सक्सेस जर्नी, संघर्ष से फ्यूचर एस्पायरेंट्स को मौका मिले, तो आप सारी बातें अपने भाव के साथ ऑनेस्टली आप बताएंगे, ये मेरी पूरी उम्मीद है। वेरी गुड। यस, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू एंड योर फैमिली। थैंक यू वेरी मच सर। विनीत, आपकी स्टोरी बहुत रोचक होगी, क्योंकि आपने 4 अटेम्प्ट लिए। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका प्री नहीं हुआ, सेकेंड अटेम्प्ट में भी प्री नहीं हुआ, थर्ड अटेम्प्ट में प्री क्वालिफाई करके मेंस तक गए, फाइनली जो आपका इंटरव्यू में नहीं पहुंच पाए, एंड फोर्थ अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन हो गया है, और आप अपने सिलेक्शन का 231 रैंक लेके यू आर एक्सपेक्टिंग टू गेट इंडियन पुलिस सर्विस। दिस टाइम सर्विस लोकेशन आपका होने वाला है। तो इस पूरी जर्नी को हम लोग अपने ऑडियंस के साथ शेयर करेंगे। विनीत, सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा बताइए कि आप रहने वाले कहाँ के हैं, व्हाट इज योर बैकग्राउंड, से समथिंग अबाउट योरसेल्फ। सर, मेरी बर्थ प्लेस एक्चुअली हरियाणा के जींद डिस्ट्रिक्ट में गांव है रूपगढ़, तो बर्थ प्लेस मेरी वही है। एक्चुअल बैकग्राउंड हमारा रूरल बैकग्राउंड ही है। मेरे ताऊ जी अभी भी गांव में ही रहते हैं, बुआ जी एंड ऑल वो सब भी गांव में ही हैं, बट मेरे फादर इंडियन एयरफोर्स में एज अ एयरमैन रिक्रूट हुए थे, तो हम जनरली पोस्टिंग बाहर होती रही है तो बाहर ही रहे हैं। और अभी 2018 में मेरे फादर की पोस्टिंग यहाँ चंडीगढ़ थी, तो हमने अम्बाला में ही अपना रेजिडेंस यहाँ पे बना लिया, तो अब हम अम्बाला में ही रहते हैं। वेरी गुड। अम्बाला में फैमिली में कौन कौन है, पिताजी का नाम से लेके सब कुछ बताइए आप थोड़े अपने बारे में। सर, फैमिली में मेरे फादर हैं जिनका नाम JW रामनेहर अहलावत, ही इज जूनियर वारंट अफसर इन इंडियन एयरफोर्स। वो बेसिकली कम्युनिकेशन एंड रेडियो टेक्नोलॉजी में काम करते हैं सर, जो एयरफोर्स में कम्युनिकेशन वाला जो पार्ट होता है। और मदर है सर, मदर मेरी इतनी एजुकेटेड नहीं है शुरू में, स्कूल वगैरह गांव में आपको पता है कैसी हालत है स्कूल्स की और वुमेन एजुकेशन की, तो उन्होंने काफी जल्दी सेकेंड थर्ड में स्कूल ड्रॉप आउट कर दिया था, तो शी इज अ होम मेकर। बट उनका कॉन्ट्रीब्यूशन ऐसा नहीं है कि कम रहा है, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन आई फील कि सबसे ज्यादा ही रहा है फैमिली के अंदर। देन मेरा एक एल्डर ब्रदर है, उसकी शादी हो चुकी है एंड ही इज इन आर्मी एविएशन एंड ही इज अ मेजर, तो हम अभी इतने ही मेंबर्स हैं सर। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। मैं फादर की कोशिश रही कि आप लोग को एजुकेशन अच्छा दिया उन्होंने। यस, नेचुरली है कि फाइनेंशियल लिमिटेशन रही होगी बिकॉज ऑफ मैट्रिकुलेशन। उसके बाद मैंने AIPMT की प्रिपरेशन की थी, मेडिकल सब्जेक्ट थे मेरे पास, उसके लिए मैं 2 साल कोटा भी गया था, बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे भी AIPMT मेरा क्वालिफाई नहीं हो पाया था, तो मैंने वेटनरी का एग्जाम दिया हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी का, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था, तो आई गॉट एडमिशन इनटू दैट। तो मैंने ग्रेजुएशन वेटनरी साइंसेज और एनिमल हस्बेंड्री बैकग्राउंड से ही की है, और मैंने अपना ऑप्शनल भी वही रखा था, और ये 5 साल की डिग्री है इक्विवेलेंट टू मेडिकल डिग्री, तो वही मैंने किया सर हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी से। अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी आपकी, अपने एनिमल हस्बेंड्री में किया और देन अचानक आपके दिमाग में सिविल सर्विसेज की आइडिया है, तो सबसे पहले तो ये जाना इंटरेस्टिंग होगा कि आपको सिविल सर्विसेज में आने का आइडिया कब आया, किस तरह से आया। सर, पहले तो जैसे फादर मेरे हमेशा कहते थे कि सिविल सर्विसेज IAS वगैरह, मेरे को मतलब इतना कुछ ज्यादा पता नहीं था और मैं इतना ध्यान भी नहीं देता था, मतलब हम वैसे थे कि कॉलेज में जाके बस मजे करने, खेलना कूदना, अपना पास हो गए पढ़ लिया थोड़ा बहुत, और एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज कर ली, डांस वगैरह, तो उनमें ज्यादा मेरा इंटरेस्ट रहता था बजाय की पढ़ाई के, पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट रहता नहीं था। बट फादर हमेशा कहते रहते थे कि एक ट्राई तो कर, एंड मैं मतलब एजुकेशनली भी, अगर स्कूली एजुकेशन भी देखी जाए तो इतना कुछ मेरा मतलब प्रोफिशिएंट परफॉर्मेंस थी नहीं, है ना, अराउंड 70% 75%, तो लाइक एन एवरेज स्टूडेंट आई वॉज। तो बट फादर के यही कहते रहते थे, मतलब वो एक नजिंग पॉलिसी होती है ना, हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि नज करते रहो तो बंदा मान ही जाता है, तो मेरे फादर मतलब कहते ही रहते थे। फिर एक बार मैं देहरादून गया था, तो मैं FRI विजिट करके आया था सर, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो वहां पे मतलब वो बिल्डिंग मुझे काफी फैसिनेटिंग लगी, तो मैंने तैयारी तो शुरू की थी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में जाने के लिए, कि मतलब मैं उससे बड़ा वो प्रभावित हुआ था, बट इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का मेरा प्रीलिम्स कभी क्वालिफाई हो ही नहीं पाया क्योंकि उसकी कट ऑफ थोड़ी ज्यादा जाती है। बट फिर धीरे धीरे करके मेरा इंटरेस्ट इंडियन फॉरेन सर्विस में बनने लग गया, तो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस भी फॉरेन सर्विस ही थी,
तो धीरे धीरे जब फेलियर्स आए, उसके बाद जब दो बार फेलियर्स आए तो मन में यही था कि इतना टाइम लगाया है तो एट लास्ट ये करके ही उठे, है ना। जब इतना टाइम इन्वेस्ट किया है, या तो शुरू ही नहीं करते, अब शुरू कर दिया तो एटलीस्ट वी शुड एंड दिस। ये शुरुआत हुई थी सर। बहुत बढ़िया एक्चुअली। लेकिन अब जब शुरुआत किया कैसे कैसे, क्योंकि चार अटेम्प्ट का ये जो सफर है वो थोड़ा सा आप अपने साथ जो आपको जी बात कर सर रहे हैं उनको बताइए कि क्या जी सफर रहा आपका। जी सर सर जैसे ही ग्रेजुएशन करके हम निकले 2016 में, हमारे जो मैक्सिमम बैचमेट्स थे उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन में ऑप्ट कर लिया था, तो पोस्ट ग्रेजुएशन में इनरोल कर चुके थे। हमारे बैच से सिर्फ हम, मेरा एक फ्रेंड था और एक मैं था, जिन्होंने वी वर क्लियर इन आवर ऑब्जेक्टिव कि पोस्ट ग्रेजुएशन तो हमें करनी नहीं है ना, वी विल डू समथिंग एल्स। तो 2016 में पास आउट होके यहीं पंचकुला में मैंने प्राइवेट जॉब ऑप्ट की थी, प्राइवेट क्लिनिक पे, डॉग क्लिनिक पे। वहां पे आई वर्क एज अ वेटनरी फिजिशियन। ओके तो वहां पे आई थॉट कि एक बार एग्जाम दे के देखता हूँ, थोड़ा एनसीईआरटी वगैरह पढ़ी थी मैंने, थोड़ा आइडिया लिया था। तो 2017 में मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था जॉब के साथ ही, जॉब के साथ, क्योंकि डॉक्टर की जॉब ऐसी होती है आपको इमरजेंसी में भी जाना पड़ता है 24/7, मतलब आप टाइम ऐसे फिक्स नहीं कर सकते कि मेरे पास इतने घंटे हैं ही। तो उसके बाद जब अटेम्प्ट दिया तो आई वॉज क्वाइट सरप्राइज कि मेरे सिर्फ 40 के अराउंड नंबर थे सर प्रीलिम्स में। तो मतलब कई बार हम सोचते हैं ना कि एक बार पेपर दे के देखते हैं, हो जाएगा हो जाएगा, बट यूपीएससी के साथ ऐसा नहीं है। यूपीएससी मतलब आपकी तैयारी नहीं है तो आप नहीं कर सकते यूपीएससी ना, ये तुक्का राइट उक्का यूपीएससी में नहीं चल सकता। तो उस टाइम सर मेरे 45 के अराउंड नंबर थे। तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि भाई ऐसे नहीं होगा, और मेरी जॉब भी इस तरह की है कि फिक्स आवर स्टडी के लिए मैं नहीं निकाल पा रहा। तो फिर मैंने तय किया कि कोचिंग लेंगे। कोचिंग के लिए मेरे पेरेंट्स और जो साथ के लोग थे उन्होंने रिकमेंड किया कि दिल्ली चले जाओ, है ना। दिल्ली आपको पता है कि हब है यूपीएससी कोचिंग के लिए, बट दिल्ली से मेरा कुछ मतलब फ्रिक्शन था कि वहां मतलब कि इतना स्मॉग वगैरह होता है, पोल्यूशन है, मतलब जीना है जिएंगे नहीं तो तैयारी कैसे करेंगे, है ना। राइट तो दिल्ली की जगह आई ऑप्टेड फॉर चंडीगढ़। चंडीगढ़ में चाणक्य आईएएस एकेडमी चंडीगढ़ ब्रांच में हम गए, मेरे ब्रदर भी साथ गए थे जब हम एडमिशन लेने गए। एंड वो जो काउंसलर थी हमारी मैम थी पल्लवी मैम, वो भी फॉर्चुनेटली हरियाणा से ही, यही अम्बाला से ही थी, स्टाफ रोड जहाँ पे हम रहते हैं वो पास से ही थे। तो उन्होंने काफी अच्छे से समझाया हमें, और फिर शी कन्विंस्ड कि हो जाएगा। मतलब मुझे पहले खुद पे भरोसा इतना नहीं था, बट ये हुआ कि कॉन्फिडेंस आया कि हाँ कोचिंग के बाद वी विल मेक इट। तो काफी 8-9 महीने कोचिंग ली थी चाणक्य में, काफी अच्छे टीचर्स भी थे, जो बेस तैयार हुआ हिस्ट्री पॉलिटी का, क्योंकि मेरा साइंस बैकग्राउंड है ना। साइंस बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स को रहता है कि हमें नहीं समझ आती है सारी चीजें। ह्यूमैनिटीज खास करके राइट हाँ जी सर। तो बट टीचर्स ने काफी हेल्प की, पॉलिटी हिस्ट्री का जो बेस बना वो आज भी इतना स्ट्रॉन्ग है कि अब भी मतलब बिना पढ़े भी काफी चीजें याद रहती हैं। तो उस बेस के कारण कॉन्फिडेंस आया था। तो 2018 में फिर से अटेम्प्ट दिया, बट कोचिंग के बाद ज्यादा टाइम सेल्फ स्टडी के लिए बचा नहीं था सर, है ना। 1-1.5 महीने के आसपास बचा था, पेपर नजदीक आ गया था। तो उस टाइम मतलब इम्प्रूवमेंट थी, 45 से 75 तक गए थे, बट वी कुड नॉट मेक इट थ्रू द लिस्ट। कट ऑफ पॉइंट एंड से फिर थोड़ा नीचे रह गया हाँ ना। जी सर। तो उस साल भी कट ऑफ नहीं होती। तो उस साल थोड़ा सा डिमोरलाइजेशन था सर। फिर हमारी जो हरियाणा वेटनरी सर्जन की पोस्ट आती है, गवर्नमेंट पोस्ट, वो पोस्ट आई थी, उसका एग्जाम मेरा क्लियर हो गया था, बट उसके इंटरव्यू में कहीं ना कहीं मैं रह गया था। तो उसके बाद भी थोड़ा आई वॉज क्वाइट डिप्रेस्ड कि ये जॉब भी नहीं लगी, पेपर भी क्लियर नहीं हो रहा है, तो आगे अब लाइफ में करेंगे क्या। मेरे सारे बैचमेट्स जॉब लग चुके थे। तो फिर मैंने आइल्स भी क्वालिफाई कर लिया था कि अब नहीं होता है तो मैं हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन कंट्री में चला जाऊंगा, पीजी कर लूंगा वहां जाके। बट फिर उससे पहले, जाने से पहले मन में यही था कि 2 साल जब लगाए हैं तो एक ऑनेस्ट ट्राई तो बनती है, क्योंकि कहीं ना कहीं मन में यही था कि अभी तक मैंने 100% तो नहीं दिया। हो सकता है 70 दिया हो, 75 दिया हो, बट अभी तक 100% पे मैं नहीं पहुंचा। तो पोस्ट ग्रेजुएशन बाद में कर लेंगे, अभी तो काफी एज पड़ी है, एक ट्राई तो बनता है, एक ऑनेस्ट ट्राई। तो उसके बाद सर घर मैंने छोड़ दिया था, मैंने घर पे कह दिया था कि घर पे तो नहीं रहूंगा, आई विल टेक अ फ्लैट ऑन रेंट। फ्लैट मैंने जीरकपुर में फ्लैट लिया। देन लाइब्रेरी की जो फैसिलिटी थी चाणक्य एकेडमी में, दैट वाज क्वाइट, मतलब उसका मैं जितना भी आभार व्यक्त करूं तो वो मुझे लगेगा कि कम है, क्योंकि वो लाइब्रेरी ने इतना साथ दिया, वहां के स्टाफ मेंबर्स ने भी इतना साथ दिया। मेरा रूटीन वहीं पे था, सुबह 8 बजे मैं पहुंच जाता था, जब गार्ड अंकल पहुंचते थे साथ के साथ मैं भी पहुंच जाता था। तो कभी कभार मैं मजाक में गार्ड अंकल से कहता था कि सर अब चाबी मुझे ही दे दो, मैं खोल दिया करूंगा आके। तो वहां पे रूटीन पूरा था, 8 से 8 ये फिक्स था कि मुझे लाइब्रेरी में ही बैठना है। फिर उस साल बहुत अच्छी ऑनर्स ट्राई की, टेस्ट सीरीज वगैरह लगाई, तो प्रीलिम्स उस साल क्लियर हो गया था।
तो प्रीलिम्स क्लियर हो गया, प्रीलिम्स का जो डर था उस डर के चलते 7 महीने सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी की, मेंस पे कोई ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि यही डर था कि प्रीलिम्स नहीं हुआ तो मेंस देंगे कैसे, है ना, मेंस का बाद में देखेंगे, पहले प्रीलिम्स करते हैं। तो उस साल प्रीलिम्स हो गया था, मेंस में इतना ना ऑप्शनल पढ़ा था, कुछ भी नहीं पढ़ा था। तो 3 महीने में लेकिन पूरा जोर लगा दिया, स्टडी आवर्स को 12 से 15 घंटे भी किया, पूरा जितना हो सकता था, मतलब ये नहीं सोचा कि 3 महीने में कैसे होगा, यही सोचा कि 3 महीने जितना हो सकता हम अपना बेस्ट दें, जो होगा फिर देखा जाएगा। तो उस साल मेंस दिया, अनफॉर्चुनेटली लिस्ट में नाम नहीं था, बट आई वाज वेटिंग। उसके बाद कोविड आ गया था, कोविड में सारी चीजें पोस्टपोन हो गई थी, 2020 का प्रीलिम्स भी पोस्टपोन हो गया था। तो उस टाइम यही था कि एक बार स्कोर कार्ड आ जाए, उसके बाद इवेल्युएशन करेंगे कि कहाँ पे कमी रह गई है। तो जब स्कोर कार्ड मेन्स का आया, उसमें सिर्फ 17 मार्क्स से मेन्स रहा था जनरल कैटेगरी में, कट ऑफ से। तो फिर एक कॉन्फिडेंस आया कि इतना नजदीक पहुंचे हैं तो इस बार हम कर ही देंगे। तो बस स्कोर कार्ड देख के एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। अगर उस स्कोर कार्ड में 500-600 नंबर होते तो क्या पता डिमोरलाइजेशन आ जाती, बट वो स्कोर इतना अच्छा था कि खुद पे कॉन्फिडेंस आया कि हम कर सकते हैं। देन प्रीलिम्स देते ही मुझे पता था काफी अच्छा स्कोर था 120 के अराउंड, तो पता लग गया था मेंस देना ही है। तो पहले ही दिन से तैयारी शुरू कर दी थी, ऑप्शनल के नोट्स पहले ही बना चुके थे। तो उस बार फिर कोविड के टाइम पे घर पे, आपको पता है सर, घर पे डिस्टरबेंस काफी रहती है, पढ़ाई नहीं हो पाती। फिर मैंने चाणक्य में हितेश सर को फोन किया कि सर लाइब्रेरी मुझे चाहिए, मुझे लाइब्रेरी के बिना नहीं होगा। उस टाइम पे भी सर ने काफी हेल्प करके सिर्फ मेरे लिए लाइब्रेरी खुलवाई थी, आई वॉज अ लोन स्टूडेंट जो मैं वहां पे जाता था अकेला। तो वो 2 महीने तैयारी करके सर फिर मेंस दिया, और मेंस देते ही निकलते ही ऑप्शनल के बाहर मुझे पता था कि इस बार आई विल मेक। मुझे याद है उस समय हितेश ने तुम्हारे लिए स्पेशली कॉल किया था कि सर एक कैंडिडेट बहुत सीरियस है, 4 साल से लगाए लेकिन वो बनाएगा, मैंने कहा यस यस, इस तरह के कैंडिडेट को जितना भी सपोर्ट दे सकते उसको दो, दैट इज वेरी गुड कि आपने बहुत जबरदस्त यूटिलाइज किया। I had only heard of Chanakya and seen a lot of their YouTube videos as an aspirant. So when my turn came for the interview, I packed my bags from my home state of Kerala and went all the way to Delhi, and I was able to attend the mock interview conducted by Chanakya IAS. I must say that the interview that I attended at Chanakya proved to be the one which was most similar and most, you know, most similar to my actual interview experience that held at Dholpur House at UPSC. So I'm extremely thankful to all the members of Chanakya, especially to Mishra sir and everybody there who had helped me in the interview process and who had asked me stimulating questions. And especially for reminding me that at the actual UPSC interview, you need to be very well versed with the topics, with your background, and you should have a good conceptual clarity along with confidence. So thank you, Chanakya, for helping me in my success. इसमें विनीत बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक प्रोवर्ब जो है कहते हैं ना, फेलियर्स आर पिलर्स ऑफ सक्सेस, ठीक है ना, जी सर, आपके बारे में साबित होता है। वैसे तो आप बहुत डिटेल समझा चुके हैं कैसे कैसे किया, बट इस प्रोवर्ब को ध्यान रखते हुए थोड़ा सा ब्रीफ में बताइए कि हाउ द पिलर्स, फेलियर्स आर पिलर्स ऑफ सक्सेस, वो कैसे है। सर इन माई ओपिनियन, जैसा मैं सोचता हूँ, या आप जितने भी ग्रेट पर्सन हम पढ़ते हैं, चाहे वो मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो, चाहे कोई भी हो, तो ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जिसको फर्स्ट टाइम में ही सक्सेस मिल गई है। सबने फेलियर्स तो देखे ही होते हैं सर, बस प्रॉब्लम यहाँ पे आते हैं कि हम फेलियर्स को एक्सेप्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते। कई लोग होते हैं जो फेलियर्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, बट एक्सेप्ट करना हमारे नेचर में होना चाहिए, क्योंकि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम इम्प्रूव कैसे करेंगे, है ना। फर्स्ट वी हैव टू एक्सेप्ट, देन वी हैव टू इम्प्रूव, एंड फाइनली जब हम धीरे धीरे इम्प्रूव करते जाएंगे तो सक्सेस भी हमारे पास आ ही जाएगी। ऐसी कोई चीज नहीं है सर जो हम नहीं कर सकते। तो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अपने फेलियर्स को इवेल्युएट करो, उनसे डरना नहीं है, उनसे भागना नहीं है, इवेल्युएट करो कमी कहाँ रह गई, उन कमी को धीरे धीरे पूरा करते जाओगे तो जो गैप्स हैं, जो लैकुनाज है, वो भरते जाएंगे और आपकी सक्सेस की जो सीढ़ियां हैं वो बनती चली जाएगी। सर एक कविता है उसकी, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की, जिसमें कहते हैं कि जो लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। उसमें पूरी कविता में चीटी के माध्यम से की सेकंड स्टेंज हम समझाते हैं, तो गोताखोर के माध्यम से मोती चुनने वाला, लेकिन लास्ट का जो स्टेंज है बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो अभी आपने कहा उसको समअप करता है। असफलता एक चुनौती है,
स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। यस, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो आपकी इस चीज को सार्थक किया आपने। जिंदगी में हर व्यक्ति कहीं कहीं अपने एक्सपीरियंस गैदर करता है राइट फ्रॉम द डे वन इन दिस वर्ल्ड, दैट इज थ्रू द अटेम्प्ट्स, हर कुछ कहीं चलने से लेके लिखने से लेके लाइफ में हमेशा ही जो है। बट आपका एटीट्यूड क्या है उसके बारे में, कि यदि आपको जो असफलता जिसको कहते हैं उसके एटीट्यूड क्या है, कि आप उसको अपना पिलर समझते हैं, करेक्शन के लिए तैयार हैं, या आप फिर बदनसीब किए चले जाते हैं कि मेरा किस्मत खराब है और फिर इधर भटकने लग जाते हैं, राइट? सो यू हैव टू कीप वर्किंग एंड फोकस्ड ऑन कर्मा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विनीत, ये पूरी जो प्रोसेस में आपने अलग अलग टाइम पे अपनी जो मोटिवेशन लेवल को मैनेज किया होगा, चूंकि एक लंबा सफर था, तो हाउ टू रिमेन मोटिवेटेड फॉर सच ए लॉन्ग टाइम, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर, मोटिवेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस जर्नी में, क्योंकि यूपीएससी, हमें पता है यूपीएससी की आप गारंटी नहीं दे सकते कि फर्स्ट अटेम्प्ट में होगा या लास्ट अटेम्प्ट में होगा, तो आपको जब तक आप सक्सेसफुल नहीं होते आपको चलते रहना पड़ेगा। बट उस चलते रहने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कहाँ से आती है, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर। कि वहां पे आपके फ्रेंड्स को भी आपके साथ खड़ा रहना पड़ता है, आपकी फैमिली को भी आपके सपोर्ट में खड़ा रहना पड़ता है, और कहीं भी अगर कोई भी कुछ कह देता है तो वो ऐसा पॉइंट भी हो सकता है जब यू कैन ब्रेक डाउन, आप ये सोच सकते हो कि नहीं बस बहुत हो गया मैं नहीं करता। तो मैं सर हमेशा जो मेरे फ्रेंड्स थे या मैं खुद भी पर्सनली, मैंने एक चीज अपनाई है कि जब हम मोटिवेशन, जैसे हम लेक्चर सुनते हैं, वीडियोस देखते हैं, थोड़ी देर के लिए तो हम काफी मोटिवेट हो जाते हैं, कोई भी मोटिवेशनल वीडियो हम देख लेते हैं, जैसे सक्सेस स्पीक्स हमने देख लिया, तो मेरी जर्नी सुन के हो सकता है कई बच्चे थोड़ी देर के लिए, एक दो दिन के लिए मोटिवेट हो जाएंगे, बट फॉर द लॉन्ग जर्नी जो उन्हें तय करनी है उसके लिए मोटिवेशन उनको अंदर से ही लाना पड़ेगा। बाहर का मोटिवेशन आपको चार्ज कर सकता है बट वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी ड्रेन होती चली जाएगी। जब तक आपके अंदर से ये नहीं आएगा कि हाँ मुझे बस करके ही दम लेना है, करके ही मुझे चैन सांस लेना, रेस्ट लेना है, वो मोटिवेशन आपके लिए जब तक रहेगी जब तक आप उस चीज को अचीव नहीं कर पाओगे। यहाँ पे सर मुझे गांधी जी की बहुत अच्छी बात याद आती है, उन्होंने कहा था कि नेवर थिंक अबाउट फेलियर्स इन योर लाइफ, योर फुल एफर्ट इज फुल विक्ट्री। आप अपना फुल एफर्ट दो वो आपकी पूरी विक्ट्री है, बट आपको एंड में ये मलाल नहीं होना चाहिए कि मैंने अपना पूरा एफर्ट नहीं दिया। बाद में चाहे कुछ भी हो, चाहे आप पास हो चाहे आप फेल, डू योर बेस्ट ताकि आपको कभी रिग्रेट्स ना हो। बिल्कुल, मैंने कोशिश ही नहीं की। बिल्कुल, और जब आप मेहनत ही नहीं करेंगे तो हमेशा रहेगा, कहते हैं इट इज इवन इफ यू फेल, फेल विद फुल प्रिपरेशन। बिल्कुल, तो आपको कहीं ना कहीं लाइफ बेटर ऑप्शन दे देगा कि आपने कुछ अच्छा काम किया। दैट इज वेरी वेल सेड ऑन दैट। तो मोटिवेशन के लिए इनर कॉलिंग, जो आपको ड्राइव है कि किस चीज लिए आप मेहनत कर रहे हैं या संघर्ष क्यों कर रहे हैं, यदि वो आपके आंख के सामने रहे, उसकी विजुलाइज करते रहे, तो यू विल हैव ऑलवेज एंजॉय द होल प्रोसेस एंड द जर्नी आल्सो। बिल्कुल, नॉट ओनली ओनली डेस्टिनेशन इज इम्पोर्टेंट एंड जॉयफुल, बट इवन द होल रूट ऑफ डेस्टिनेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, कि आप उसको एंजॉय करते जाते हैं, राइट? एक टाइम मैनेजमेंट एक बड़ा फैक्टर होता है। आपने जॉब के साथ भी टाइम को मैनेज किया, फिर धीरे धीरे अडेप्ट किया, कभी ज्यादा घंटे भी लगाए, कभी कम भी लगाए, राइट? कि ये मुझे आपसे दो आंसर चाहिए, यदि कोई जॉब के साथ तैयारी करना चाहते हैं तो उनका टाइम मैनेजमेंट क्या पॉसिबल है, कैसे कर सकते हैं, और यदि लोग फ्री हैं जो कोई जॉब नहीं करे फुल टाइम लगे हैं तो उनके लिए क्या होना चाहिए? सर, जो लोग जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि तैयारी नहीं हो सकती, काफी हमने एस्पिरेंट्स देखे हैं जो जॉब के साथ भी क्लियर करते हैं एग्जाम को, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका नेचर ऑफ जॉब कैसा है। क्योंकि मैंने कई जो मेडिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स देखे हैं, आई हैव सीन कि उन्हें ड्रॉप आउट करना ही पड़ता है, क्योंकि उनका नेचर ऑफ जॉब ऐसा हो जाता है कि उनके पास मतलब कोई फिक्स्ड आवर नहीं है। हो सकता है वो सुबह में दो घंटे फ्री हो सकता है अगले दिन शाम में दो घंटे, तो एक फिक्स रूटीन उनका नहीं बन पाता, जो मैंने अपने बैकग्राउंड या अपने फील्ड वाले लोगों को देखा है। बट जनरली जो अदर जॉब्स हैं, जैसे बैंकिंग जॉब हो गया या और कोई कंपनी, प्राइवेट कंपनी में जॉब हो गया,
तो हो सकता है उनके फिक्स आवर्स हो 9 to 5, उसके बाद उनको कोई काम ना हो, तो ऐसे अगर जॉब नेचर है उनका तो ये कर सकते हैं कि 5 बजे जब छुट्टी हो जाती है उसके बाद शाम को आप 4 to 5 आवर्स अपने डेडिकेट कर सकते हैं प्रिपरेशन के लिए, कि 9 to 5 आप जॉब करके आए, 5 बजे के बाद थोड़ा रिलैक्स करो, आधा पौना घंटा घर आके रिलैक्स करो, देन 6 बजे आप पढ़ने बैठ जाते हो और 10 11 बजे तक आप रेगुलर 4 5 घंटे अपना रीडिंग को टाइम देते हो, देन सैटरडे संडे आपका ऑफ होता है तो वो पूरा दिन आपके पास होता है, तो पूरा वीक का आप रिवाइज करके थोड़ा एक्स्ट्रा भी उस दिन पे कर सकते हो। अगर आपका जॉब फिक्स्ड नेचर का है तो आप उसमें से 4 से 5 घंटे निकालिए, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है, सुबह के निकालिए चाहे शाम के निकालिए, और उस दौरान अपनी तैयारी कीजिए। उन्हीं 4 5 घंटे के लिए आप अपना प्लान बनाइए, ऐसा नहीं है कि आप प्लान बनाए 10 12 घंटे के लिए लेकिन आपके पास हैं 4 5 घंटे, तो प्लान ऐसा ही बनाइए कि मुझे आज ज्योग्राफी के 2 से 3 चैप्टर करने हैं, क्योंकि ये फिजिबल है। ऐसा नहीं है कि पूरी किताब आप 4 5 घंटे में कर देंगे, तो प्लान ऐसा होना चाहिए कि जो फिजिबल हो और जो हो जाए, क्योंकि अगर टारगेट पूरा नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आपको ड्रॉबैक में डालेगा, सेटबैक में डालेगा। तो टारगेट ऐसा सेट कीजिए अपना, 4 5 घंटे रोज रेगुलर पढ़ाई कीजिए और वीकेंड पे अपना थोड़ा एक्स्ट्रा दीजिए अपने जॉब नेचर के हिसाब से। देन जो बंदे जॉब नहीं कर रहे हैं उनके लिए काफी फ्री टाइम है, पूरे 24 घंटे उनके पास हैं, तो वो अपना शेड्यूल इसी हिसाब से बनाए कि सुबह मैं 4 घंटे पढ़ के फिर थोड़ा रिलैक्स करूंगा 1 2 घंटा, फिर 4 घंटे की वो करके फिर रिलैक्स करूंगा। तो ऐसे 2 से 3 शिफ्ट आपकी स्टडी टाइम में शिफ्ट होनी चाहिए आपकी। ऐसा नहीं है कि मैं 12 घंटे लगातार बैठूंगा, क्योंकि वो भी फिजिबल नहीं है, 12 घंटे कोई लगातार नहीं बैठ सकता। तो 3 से 4 घंटे आप अपना शिफ्ट लगाइए, फिर रिलैक्स कीजिए, लंच कीजिए, ब्रेकफास्ट जो भी करना है घूमिए फिरिए, देन फिर एक शिफ्ट लगाइए और डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स को अपना उसी हिसाब से कवर करते जाए। जो आप संडे या सैटरडे वीकेंड रखते हैं उस पे आप थोड़ा रिलैक्स भी कर सकते हैं, कहीं मूवी भी देख सकते हैं, घूम भी सकते हैं, और उसमें आप टेस्ट सीरीज भी अपनी अटेम्प्ट कर सकते हैं कि पूरे हफ्ते में जो आपने पढ़ा है तो टेस्ट सीरीज को आप सैटरडे संडे के लिए रख सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। और एक न्यूज़पेपर हैबिट आप जरूर रखें कि सुबह उठते ही, जिनके पास फ्री टाइम है जो जॉब में नहीं है, तो सुबह उठते ही सबसे पहला काम ये कीजिए 1 से 2 घंटे लगा के अपना न्यूज़पेपर कंप्लीट कीजिए। ऐसा मत रखिए कि मैं रात को जाके करूंगा कल करूंगा, क्योंकि एक बार वो न्यूज़पेपर छूट जाता है तो उसका पाइल अप होने लग जाता है। आप 1 महीने बाद देखोगे तो पूरा का पूरा पाइल बन जाएगा और न्यूज़पेपर आप दोबारा नहीं पढ़ सकते। तो ये चीजें थोड़ी ध्यान रखें जिनके पास फ्री टाइम है, और जो जॉब में है वो अपना ड्यूरेशन देख के अपने 4 से 5 घंटे रेगुलर जरूर निकालें पढ़ाई के लिए। विनीत, आप जो है न्यूज़पेपर को लेकर के बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं, और बहुत लोगों के दिमाग में रहता है कि इसमें क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, क्या रेलेवेंट है, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें, तो थोड़ी इसकी चर्चा करें कि आपके अपना अनुभव के हिसाब से न्यूज़पेपर के बारे में क्या कहना है आपका। सर, न्यूज़पेपर फॉर यूपीएससी के लिए न्यूज़पेपर तो इनहेरेंट पार्ट है, उसके बिना आप नहीं इमेजिन कर सकते कि आप एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। हो सकता है मंथली मैगजीन्स की हेल्प से आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाए, बट मेंस में आप बिना न्यूज़पेपर, अगर आपने खुद इवेल्युएशन नहीं किया, खुद नहीं पढ़ा और वो चीजें आपके दिमाग में नहीं है, तो आप उसको अपने वर्ड्स के अंदर वहां पे नहीं पेश कर सकते। सबसे पहली बात तो ये है। बात आती है फिर न्यूज़पेपर्स में इंपॉर्टेंट चीजें कैसे ढूंढे, है ना। जब शुरू में हम न्यूज़पेपर पढ़ने बैठते हैं तो हमें लगता है कि सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, और जब शुरू में एस्पिरेंट्स न्यूज़पेपर पे आता है तो उसे सारी चीजें समझ में भी नहीं आती। लाइक इफ आई टॉक अबाउट द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, उनकी लैंग्वेज थोड़ी इतनी हाई लेवल की होती है कि कई बार स्टूडेंट्स को नहीं समझ आ पाता कि एडिटोरियल में बात क्या करना चाह रहा है। तो जब न्यू एस्पिरेंट्स न्यूज़पेपर रीडिंग शुरू करते हैं तो सबसे पहले अपने साथ में डिक्शनरी लेके बैठिए, क्योंकि ऐसे वर्ड्स आपको आएंगे जो आपको समझ नहीं आएंगे, बट जब तक वो वर्ड्स का आप मतलब नहीं पता लगा पाओगे तो आप उसके एसेंस को नहीं समझ पाओगे, जो भी एडिटोरियल या जो भी आर्टिकल आपके सामने है।
तो सबसे पहले डिक्शनरी साथ में लेके बैठिए। दूसरी बात, न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, एक तो पॉलिटिकल जो न्यूज आती है कि इस पार्टी ने ये किया उस पार्टी ने ये किया, ये आपके काम की चीजें नहीं है, आपके एग्जाम में ये चीजें नहीं पूछी जाएंगी। ये सब चलता रहता है, इलेक्शन आएंगे जब न्यूज़पेपर के 2-3 पेज सिर्फ इन्हीं न्यूज से भरे आते हैं, तो वो न्यूज आर्टिकल्स आपके रेलिवेंस के नहीं है, तो उनको आप इजिली छोड़ सकते हो, जो भी पॉलिटिकल टाइप ऑफ न्यूज है। मेन न्यूज जैसे कोई सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आई है, हेडलाइन आएगी आपके फ्रंट पेज पे ही वो न्यूज आ जाएगी कि आज जैसे राइट ऑफ प्राइवेसी का एग्जांपल दें, तो जब पुट्टू स्वामी जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की, तो फ्रंट पेज पे ही हर न्यूज़पेपर में वो जजमेंट थी, तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दैट इज रेलिवेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब भी कोई केस लेता है तो वो काफी मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल टाइप होता है या उसकी काफी इंपॉर्टेंस वहां पे होती है। तो दूसरा इन्वायरमेंट का जैसे पेज आता है, मे बी आई रिमेम्बर द हिंदू में 5th पेज इन्वायरमेंट का होता है, जहाँ पे इन्वायरमेंट रिलेटेड कोई भी न्यूज आती है कि कोई नया वेटलैंड डिक्लेयर हुआ है या काजीरंगा सेंचुरी में कोई नया इनिशिएटिव हुआ है, तो ऐसी चीजें आप उस पेज से जरूर उठाइए, क्योंकि इन्वायरमेंट की काफी रेलिवेंस पिछले 5-6 साल में बढ़ चुकी है। साइंस की बात करें तो संडे को जो न्यूज़पेपर आता है द हिंदू का या द इंडियन एक्सप्रेस का जो एक्सप्लेन्ड पेज आता है, हर रोज आता है, उसके अंदर आपको साइंस के कुछ ना कुछ फिनोमेना मिलेंगे, जैसे कोविड के अंदर वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, वैक्सीन के बनने का प्रिंसिपल क्या है, व्हाट इज द एग्जैक्ट प्रिंसिपल, तो ये चीजें ऐसे संडे के एडिशन में या एक्सप्लेन्ड पेज में आपको देखने को मिलेंगी, और वो आपके प्रीलिम्स में एक बहुत अच्छा सवाल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे इस बार का एग्जाम्पल दूं, 21 के एग्जाम में वैक्सीन के ऊपर ही डीएनए के ऊपर पूछा गया था कि एचआईवी आरएनए वायरस है या डीएनए वायरस है, या जो कॉमन कोल्ड है वो एडिनो वायरस से हो सकता है या नहीं हो सकता, तो कोविड का जब हम वायरस देख रहे थे, जब कोविड की बातें चल रही थी, तो वहां पे भी हम आरएनए डीएनए की चीजें पढ़ते थे, तो ये चीजें कहीं ना कहीं न्यूज पेपर में आई हुई है, और जिनके नजर में ये चीजें थी वो इस क्वेश्चन को आराम से अटेम्प्ट भी कर पाए। तो मेन इंपॉर्टेंट चीजें न्यूज पेपर में, एक तो हेडलाइन पेज आपको फ्रंट पेज तो पढ़ना ही है, वहां पे आपको पता चल जाएगा क्या क्या न्यूज रेलेवेंट है। दूसरा इन्वायरमेंट का पेज आपको पढ़ना है, फिर जो 2 पेज एडिटोरियल्स के हैं वो भी आपको पढ़ने हैं, उसमें से भी अगर कोई पॉलिटिकली बेस्ड एडिटोरियल है कि बीजेपी से रिलेटेड कोई एडिटोरियल या कांग्रेस से रिलेटेड, वो एडिटोरियल आपको नहीं पढ़ना, बट कोई इन्वायरमेंटल रिलेटेड एडिटोरियल है या वर्ल्ड अफेयर से रिलेटेड है या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से रिलेटेड है, ऐसे एडिटोरियल को आपको देखना है, या कोई नई पॉलिसी गवर्नमेंट लाई है जैसे स्क्रैपेज पॉलिसी लाई है तो उससे रिलेटेड आपको चीजें देखनी है। देन उसके बाद जो इंटरनेशनल अफेयर्स का पेज आता है वो भी आपको देखना है कि इंटरनेशनली क्या चीजें चल रही हैं, जैसे अभी तालिबान के इश्यू में काफी आर्टिकल्स भी उसके ऊपर आते थे, और वर्ल्ड अफेयर का पेज भी उसके ऊपर आता था कि क्या क्या न्यू डेवलपमेंट्स वहां पे चल रही हैं, तो वो भी आपकी नजर में होना चाहिए। और उसके बाद आता है इकोनॉमिक्स का पेज, इकोनॉमिक्स के पेज के अंदर भी कोई नई पॉलिसी गवर्नमेंट लेके आई है या कहीं कस्टम ड्यूटीज लग रही है या WTO में कोई इश्यू चल रहा है, तो ऐसी चीजें भी आपको इकोनॉमिक पेज से गैदर करनी है। बाद में स्पोर्ट्स का पेज आता है, स्पोर्ट्स का पेज आपके UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से इतना रेलिवेंस नहीं रखता, बट स्टेट PSCs के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वो स्पोर्ट्स पेज भी काफी इंफॉर्मेशन दे सकता है। तो ये तरीका होना चाहिए आपका न्यूज़पेपर पढ़ने का, मेन मेन पेज आपको देखने कौन से हमें पढ़ने हैं और उनके रेलेवेंट नोट्स आपको नोट डाउन करने। आपने बहुत ही डिटेल सब चीज बता दिया, खाली दोबारा हम एक छोटी सी पे ध्यान दिलाते हैं जो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि न्यूज़पेपर में क्या इम्पोर्टेंट है आपके लिए, उसको फंडामेंटली जानने के लिए पहले आपको अपने सिलेबस जो है उसको क्लियरिटी होनी चाहिए। जैसा कि अभी आपने कहा कि इकोनॉमी, पॉलिटिकल गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो सारी के सारी चीजें आपके सिलेबस के अंदर, तो एट द बैक ऑफ माइंड यदि आपको सिलेबस रहता है, क्लियर है, तो न्यूज़पेपर में मिरर के जैसे अपने झलकने लगेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है मेरे लिए और कैसे आप करें। सो यू ऑलवेज हैज टू बी वेरी थॉर अबाउट योर सिलेबस बोथ फॉर प्री एंड मेंस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कि क्या पूछे गए हैं, तो दैट विल मेक ऑल द थिंग्स। विनीत, इसमें नोट्स मेकिंग इज ऑल्सो एन आर्ट इन दिस, में आपकी भी कोई हैबिट रही नोट्स मेकिंग की इसमें? हाँ जी सर, जैसे जो स्टैटिक सब्जेक्ट अगर कंसीडर करें जैसे पॉलिटी है या मॉडर्न हिस्ट्री है, उसका तो मैंने नोट्स वगैरह इतना नहीं बनाया, उसके हाईलाइट कर लिए मेन पॉइंट्स बुक के अंदर ही और बुक को ही रिवाइज कर लिया, क्योंकि मेरी रीडिंग स्पीड थोड़ी अच्छी थी, तो उस हिसाब से आई थॉट कि नोट्स बनाने में मैं पढ़ लाऊंगा इतनी देर में, पढ़ लूंगा जितनी देर में मैं नोट्स बनाऊंगा, तो स्टैटिक पोर्शन के तो इतने नहीं बनाए, बट न्यूज़पेपर के नोट्स मैंने रेगुलर बनाए और ऐसे बनाए कि जैसे एथिक्स का ही एग्जाम्पल ले लिया, एथिक्स
उसमें कई बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि कैसे तैयारी करें, तो उसका मैं एक रेफरेंस दे देता हूँ ताकि बच्चों की कन्फ्यूजन भी थोड़ी दूर हो। एथिक्स के केस में जैसे हम डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ते हैं, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस, तो न्यूज़पेपर में कई बार आप ऐसे एग्जाम्पल्स देखते हैं, लीडरशिप के एग्जाम्पल देखते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस के एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कोविड के टाइम पे ही मिस्टर सोनू सूद का एग्जाम्पल काफी बार सामने आया था कि उन्होंने इतने लोगों की हेल्प की थी। तो ऐसे जो भी एग्जाम्पल सोसाइटी के अंदर आपको दिखते हैं कि नया नया इनिशिएटिव लेते हैं लोग, तो ऐसे एग्जाम्पल को आपको नोट डाउन करना, ये एग्जाम्पल आप लीडरशिप के तौर पे, एटीट्यूड के तौर पे एथिक्स में एज इट इज यूज कर सकते हैं। या किसी आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर ने कुछ नया इनिशिएटिव लिया है अपने एरिया में, तो वो भी आप एज अ लीडरशिप एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं वहां पे। तो ऐसी कोई आपको स्टोरी देखने को मिले, सपोज सैटरडे का अगर मैं एडिशन बताऊं द हिंदू का, तो सैटरडे के अंदर एक पूरा पेज जो है एक स्टोरी आती है, जो भी मेन इशू चल रहा होता है पूरे वीक में, तो वो स्टोरी आप अपने एसेज में भी यूज कर सकते हैं कि मैनुअल स्कैवेंजिंग पे कोई आर्टिकल आया है ऐसा, या वुमेन स्लेवरी पे, या वुमेन ट्रैफिकिंग पे आया है, तो ऐसी स्टोरीज को आप लाइव स्टोरीज को अपने एसे में भी यूज कर सकते हैं, और एथिक्स में भी ऐसे एग्जाम्पल आप यूज कर सकते हैं। सिमिलरली इन्वायरमेंट साइंस से रिलेटेड भी जो भी इंपॉर्टेंट चीज है कि आज IISER या इसरो ने ऐसी कोई चीज नई डेवलप की है, DRDO ने कोई नया ड्रग या कोई मिसाइल डेवलप की है, तो ऐसे जो मेन पॉइंट्स हैं आपको वो मेन पॉइंट्स अपने एक नोटबुक में नोट करने होंगे। फॉरमोस्ट थिंग, अपना एक रजिस्टर बनाइए जिसमें GS1, GS2, GS3, GS4 को कैटेगराइज कर लीजिए, मतलब अलग अलग कर लीजिए, उनके सेक्शन अलग बना लीजिए, उनका सिलेबस फ्रंट पेज पे नोट डाउन कर लीजिए, GS1 के फ्रंट पेज पे उसका सिलेबस, 2 के पेज पे उसका सिलेबस, उस सिलेबस के हिसाब से आर्ट एंड कल्चर से जैसे कोई न्यूज आती है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस आते हैं कि राखी गढ़ी में अब ये मिला वो मिला, तो वो GS1 में नोट कर लीजिए कि वो आपके प्री में भी हेल्प करेगा, मेंस में भी हेल्प करेगा। GS2 में सिमिलरली कोई जजमेंट है, कोई इंटरनेशनल ट्रीटी साइन हुई है, कोई इंटरनेशनल ग्रुपिंग बनी है, वो आप GS2 में नोट डाउन कर लीजिए। GS3 में सिमिलरली इन्वायरमेंट साइंस और इकोनॉमी से नोट कर लीजिए, और GS4 में एथिक्स से रेलिवेंस कोई भी एग्जांपल या स्टोरी आपको मिलती है उसको नोट डाउन कर लीजिए। तो न्यूज़पेपर आप जब आप मेंस देने जाएंगे आपको ये एहसास होगा कि न्यूज़पेपर कितनी ज्यादा हेल्प आपकी वहां पे कर सकता है। आपके कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर है विनीत, मैं बीच में ही कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि इसलिए आपको मैं पूरा बोलने का मौका दे रहा हूँ कि आप अपनी बात को रखिए और ऑडियंस को एक क्लियरिटी बढ़ती जाए कि जो कंफ्यूजन है वो कैसे खत्म हो सकता है। विनीत, आपने 4 बार प्री दिया है और 2 बार नहीं भी हुआ, तो लेकिन ये सारे एक बहुत बड़े अनुभव में कन्वर्ट हो गया आपका, ठीक है, प्री कैसे क्लियर हो सकता है। तो प्रीलिम्स से रिलेटेड कुछ बेस्ट पॉसिबल स्ट्रेटजी बताइए जो स्टूडेंट को क्लियर हो फ्रॉम बिगिनिंग कैसे करना है। पहले तो ये बताइए कि तैयारी प्रीयर मेंस की अलग करनी चाहिए और या इंटीग्रेटेड करना चाहिए, आपका आंसर क्या होगा इसमें? जी सर, जैसे मैंने जब तैयारी शुरू की थी तो पहले प्रीलिम्स जैसे नहीं हुआ था, है ना, तो उस टाइम पे मन में जैसे डर बैठ जाता है कि प्रीलिम्स नहीं हो रहा, मेंस तो बाद की बात है। तो उस सिनेरियो में मैंने तो अपना पूरा फोकस प्री पे ही डाल दिया था कि एटलीस्ट प्री हो जाएगा, कम से कम इज्जत बच जाएगी, इतने साल से तैयारी कर रहे हैं तो मतलब प्री तो होना ही चाहिए, आगे की चीज बाद में देखेंगे, है ना। कई बार प्री भी नहीं होता सर तो घर वाले ही शक कर डाउट करने लग जाते हैं कि वहां पे कर क्या रहा है बंदा, है ना, पढ़ भी रहा है या नहीं पढ़ रहा है। तो वैसे अगर साउंड स्ट्रेटेजी की बात की जाए तो प्री और मेंस के सिलेबस में ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है, कुछ टॉपिक्स हैं जो मेंस में एडिशनल हैं तो वो आखिरी में जो आपको 3 मंथ्स का ड्यूरेशन होता है उसमें आराम से कवर किए जा सकते हैं। बट धीरे धीरे मैं आपको अगर सब स्टेजेस की स्ट्रेटेजी बताऊं, शुरू में जब आप तैयारी के लिए जाते हैं, प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी आपको ये होनी चाहिए, देखिए प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स पे कोई भी ऐसे कमांड नहीं ले सकता कि मैं 100% क्वेश्चन सही कर दूंगा करंट अफेयर्स के, क्योंकि किसी के हाथ में नहीं है, कोई करंट अफेयर्स छूट जाता है, सब चीज न्यूज़पेपर्स में भी नहीं आती, सब चीज मैगजीन्स में भी नहीं आती। लेकिन आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जितना आपने नोट्स बनाए, जितने आपने मैगजीन पढ़ी, न्यूज़पेपर पढ़े, वो मोर देन सफिशियंट है, उसमें से आप 60% या 50% करंट अफेयर्स आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे। दूसरी बात, जो आपका स्टैटिक पोर्शन है, लाइक लक्ष्मीकांत है, लक्ष्मीकांत की बुक पॉलिटी के लिए इतनी साउंड किताब है कि उससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलता, लेकिन लक्ष्मीकांत पढ़ने के बावजूद भी अगर आप उससे आया हुआ क्वेश्चन गलत करके आ रहे हैं तो आप और किसी को ब्लेम नहीं कर सकते।
तो ऐसे जो स्टैटिक पोर्शन है, मॉडर्न इंडिया का जो पोर्शन है, वो आप साउंड कर सकते हैं कि इसमें मैं कुछ गलत नहीं करूंगा, पॉलिटी में मैं कुछ गलत नहीं करूंगा। इकोलॉजी का जो स्टैटिक पोर्शन है, बायोम है, बायोस्फीयर, वेटलैंड क्या होते हैं, कन्वेंशंस क्या क्या है, इनमें आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैंने पढ़ रखे, इनसे क्वेश्चन आया तो मैं गलत नहीं करूंगा। मेन पॉइंट यही है समराइज करके कि जो आपने पढ़ा है, जो पोर्शन आप कॉन्फिडेंट हैं, आपने टेस्ट दिए उनके लिए, आपने वो काफी बार रिवाइज किया है, तो पेपर में जब आप बैठो उसमें कॉन्फिडेंट आपका इतना हाई होना चाहिए कि इससे कोई भी क्वेश्चन आया तो उसको तो मैं नहीं जाने दूंगा। रही करंट अफेयर्स की बात, उसमें भी आपकी इतनी तैयारी है कि आप 50-60% आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं, 100% ना भी कर पाए तो 100 सवाल हमें करने भी नहीं है वहां पे। आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कौन सा क्वेश्चन छोड़ के आना है। दूसरी बात, वहां पे आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता, सपोज करो फर्स्ट पेज पे 5 सवाल है, नहीं आते आपको, तो ये मत सोचो कि मुझे नहीं आते मेरा क्या होगा। अगर वो हार्ड है तो वो किसी को भी नहीं आते। और आगे जैसे मैं एग्जांपल दूं, 2020 के प्रीलिम्स में शुरू के जो 2 पेज में 12 सवाल थे, उसमें से मुझे सिर्फ 4 सवाल आते थे, क्योंकि वो एग्रीकल्चर से थोड़ा डेप्थ में रिलेटेड थे। बट उसके बाद मैंने खुद को यही समझाया कि आगे पॉलिटी भी आएगा, साइंस भी आएगा, हिस्ट्री भी आएगा, तो हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि शुरू में ये सवाल आ गए तो आगे भी ऐसे ही सवाल आएंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी आने वाला है और उस पर आपको बैंग ऑन करना है, उसमें आप गलत नहीं कर सकते। जो क्वालिफाई करते हैं प्रीलिम्स और जो नहीं करते हैं, मैं ये नहीं मानता कि उनमें कोई नॉलेज का फर्क होता है, नॉलेज में इतना ज्यादा फर्क नहीं होता। मेन डिफरेंस जो होता है वो टेम्परामेंट का होता है कि आप उन 2 घंटे में अपना टेम्परामेंट कैसे हैंडल करते हैं, कि आप प्रेशर में नहीं आ रहे हैं, आप सिली मिस्टेक्स नहीं कर रहे हैं, करेक्ट इनकरेक्ट में मिस्टेक नहीं कर रहे हैं, OMR भरने में मिस्टेक नहीं कर रहे हैं और पैनिक नहीं कर रहे हैं। तो ये फैक्टर काम में आते हैं उन 2 घंटे में, जो आपको क्वालिफायर और नॉन क्वालिफायर में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो पहले 2 के फेलियर्स के बाद मैंने यही चीज सीखी कि प्रीलिम्स में एक तो आपका स्टैटिक पोर्शन कमांड में होना चाहिए कि आपको कहीं से भी पूछ ले आपको पता होना चाहिए। दूसरा, आपको वो 2 घंटे होलिस्टिकली हैंडल करने आने चाहिए। आप अगर बाहर आके ये कहते हो कि टाइम कम पड़ गया, पेपर पूरा नहीं हुआ, तो और किसी की गलती नहीं है, आपने अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छे से नहीं किया। मॉक टेस्ट इसी चीज के लिए है कि आप टाइम मैनेजमेंट सीखें, आपको ये पता हो कि मुझे एग्जाम में कितने अटेम्प्ट करके आने हैं, कितने क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि कई बच्चे होते हैं जिनके मॉक टेस्ट में 30+ नेगेटिव हो जाते हैं, लेकिन वो पेपर में अटेम्प्ट करते आते हैं 75 में से अगर 30 नेगेटिव हो गए तो कहां से क्वालिफाई होगा। तो अपने आप से जरूर ऑनेस्ट रहें कि मेरे 30+ नेगेटिव अगर मॉक्स में हो रहे हैं तो रियल एग्जाम में भी होंगे, और उस हिसाब से मुझे 90+ अटेम्प्ट रखने ही पड़ेंगे, तभी जाके मैं कहीं स्टैंड कर सकता हूं। तो ये मॉक टेस्ट जो जितना अच्छा इवेल्युएशन करेगा, जितना अच्छा इंप्रोवाइज करेगा, वो वहां पे उतना ही अच्छा परफॉर्म करेगा। दूसरी बात यह है, जब आप तैयारी करने जाते, सपोज आप 1 साल पहले आप तैयारी शुरू करना चालू करें कि मुझे नेक्स्ट ईयर एग्जाम देना है, तो पहले दिसंबर तक आप अपना ऑप्शनल एथिक्स और वर्ल्ड हिस्ट्री एक बार कवर कर लीजिए। सबसे अच्छी तरह कवर कीजिए अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट, क्योंकि मेंस में वो आपको एच दिलाने वाला है। तो ये सब जब आप कंप्लीट कर लेते हैं, 1-2 रीडिंग मार लेते हैं दिसंबर तक, जनवरी से आप अपना पूरा टाइम डेडिकेट कीजिए अपने प्रीलिम्स की तरफ। प्रीलिम्स में जो कॉमन टॉपिक्स हैं, जैसे लक्ष्मीकांत आप पढ़ेंगे, मॉडर्न इंडिया आप पढ़ेंगे, तो कॉमन टॉपिक्स हैं। प्रीलिम्स में जितना अच्छा तैयार करेंगे, मेंस में आपको उतना ही कम टाइम उनको देना पड़ेगा। क्लियर हो जाना चाहिए प्री के लेवल पे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब जैसे मॉडर्न इंडिया है, मॉडर्न इंडिया वही सिलेबस लगभग मेंस में, वही सिलेबस प्रीलिम्स में है, तो ऐसा ना हो कि प्रीलिम्स की तैयारी करके आप मेंस में दोबारा उसको पढ़ रहे हो बार बार, क्योंकि प्रीलिम्स में ऐसा तैयार हो जाना चाहिए कि मेंस में 1 रीडिंग में ही आपका काम चल जाए और जो बाकी का टाइम है वो आप ऑप्शनल और जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स है उनको अच्छे से दे पाए। तो ऐसी तैयारी आपकी होनी चाहिए प्रीलिम्स कम मेंस की। दोनों ही इनहेरेंट टॉपिक्स हैं, दोनों ही साथ चलते हैं, ऐसा नहीं है कि दोनों अलग हैं। कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके जो 3 मंथ्स ड्यूरेशन है उसमें आराम से कवर हो जाएंगे। तो साथ के साथ जो स्टैटिक पोर्शन है, साथ के साथ चलाइए और ऐसा तैयार कीजिए कि आप उसमें खुद को कह सको कि मैं इसमें कुछ भी कमी नहीं छोड़ने। वेरी नाइस, आपने जो पूरी बात करी है, मुझे उम्मीद है कि इस कंटेंट से पूरे प्रीलिम्स का एक अच्छा स्ट्रेटजी कैंडिडेट बना पाएगा। अब हम थोड़े मेंस की बात करते हैं। आपका वेटनरी साइंस का बैकग्राउंड है और आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या लिए? वेटनरी साइंस ही लिया है। गुड। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का होता है कि उस सब्जेक्ट को नहीं ले पाते हैं, लोग चेंज करते हैं सब्जेक्ट के बारे में। आपने अपने सब्जेक्ट को कंटिन्यू किया है, इस वन ऑफ द रेयर काइंड ऑफ सब्जेक्ट जो आपने लिया हुआ है। तो आपके सिलेक्शन में क्या कंसिडरेशन था ऑप्शनल को, वो जरा शेयर कीजिए। सर, ऑप्शनल में जैसे कई बार
मतलब जो लोग चेंज करते हैं, कई फैक्टर्स होते हैं जो बच्चे कंसिडर करते हैं ऑप्शनल लेने से पहले, जैसे कि सिलेबस कितना है फर्स्ट ऑफ ऑल, कि किसी सब्जेक्ट का सिलेबस कम है तो स्टूडेंट्स को ये रहता है कि मैं वो सिलेबस ऑप्शनल ले लूँ ताकि सिलेबस अच्छे से गिवन टाइम में कंप्लीट हो सके। किसी का ये कंसिडरेशन रहता है कि मुझे समझ आ जाए चीजें, मैंने पढ़ी हूँ मुझे समझ आ जाए, ऐसा ना हो कि एकदम से नया ऑप्शनल मैं उठाऊँ और मुझे कुछ भी हवा ना लगे उस चीज की। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स कंसिडरेशन में लेने होते हैं। मैंने जो कंसिडरेशन में फैक्टर लिए थे अपने, सबसे पहले ये लिया था कि जो ह्यूमैनिटीज रिलेटेड ऑप्शनल है वो मैं कैरी नहीं कर सकता था, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे ज्यादातर जो साइंस से रिलेटेड चीजें वो अच्छे से समझ आ जाती हैं और मैं उनको हैंडल काफी अच्छे से कर सकता हूँ। ह्यूमैनिटीज में मैं इतनी कमांड नहीं रख सकता क्योंकि उसमें लैंग्वेज कमांड भी अच्छी चाहिए। अगर आप हिस्ट्री पॉलिटी जैसे ऑप्शनल लेते हैं तो आपको लैंग्वेज कमांड अच्छी चाहिए, आपको मतलब काफी चीजें अपने ओपिनियन को अच्छे से पुट करना आना चाहिए उन सब्जेक्ट्स के अंदर। अगर आप कहीं भी अपने ओपिनियंस पुट करने में लैकिंग है तो आप वहां पे अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज आई वॉज कॉन्सियस ऑफ दैट कि मैं ऐसी चीजें नहीं कर पाऊंगा, तो अच्छा है कि बेटर है मैं साइंस रिलेटेड ऑप्शनल ही अपना रखूं, क्योंकि वहां पे चीजें काफी लॉजिकल हैं, काफी रीजनेबल है और ज्यादा कुछ उनमें लैंग्वेज मैटर नहीं करती है। तो आई केप्ट विद वेटरनरी साइंस। और दूसरा ये फैक्टर भी था कि 5 साल मैंने पढ़ी है, कि ये फैक्टर आता है कि जो आपका नॉर्मल ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है, सपोज हिस्ट्री आप ले रहे हैं, बीए हिस्ट्री आपने की है, तो वहां पे पोस्ट ग्रेजुएशन तक का आपका सिलेबस आएगा। सपोज आप हिस्ट्री में ग्रेजुएट हैं लेकिन आपको तैयारी पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल तक की करनी पड़ेगी ऑप्शनल के लिए, लेकिन हमारी डिग्री 5 साल की है तो वो पोस्ट ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट ही ग्रेजुएशन में काउंट हो जाती है, तो हमारा सिलेबस ग्रेजुएशन तक का ही आता है। तो एक पॉजिटिव फैक्टर ये था कि सारी चीजें हमने कवर की थी, 5 साल तक पढ़ा था और इतना कॉन्फिडेंस था कि एटलीस्ट हमने पढ़ी है तो कोई सवाल ऐसा नहीं होगा जो हमने सुना नहीं होगा, कम से कम 20 वर्ड 30 वर्ड जितने भी होंगे हम लिख पाएंगे। लेकिन कोई नया सब्जेक्ट अगर ले लिया तो उसमें अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो हम उसको ब्लैंक छोड़ के आएंगे। तो ये कंसिडरेशन थी, एक तो पढ़ रखा था, कमांड थी सब्जेक्ट पे, और तीसरा कि कुछ भी हो हमें कुछ ना कुछ तो इस सब्जेक्ट के बारे में पता ही होगा। तो ये कंसीडरेशन थे फैक्टर्स। सबसे बड़ी फैक्टर है कि आपको इसमें इंटरेस्ट भी था, हाँ जी, साइंस की चीजों को आप कहते हैं, इसलिए इंटरेस्ट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ दैट। बिल्कुल। I am Ananya Singh and I secured All India Rank 51 in the UPSC Civil Services Exam 2019. I would like to thank the entire team at Chanakya for helping me in my interview preparation. Mock interview at Chanakya helped me a lot. The quality of questions was good. The panel was very esteemed and they guided me in the right direction. Questions was diverse. It helped me right from my optional, which was economics, to current affairs. So there was a diverse range which helped me prepare in the right direction. And so I would like to thank the team of Chanakya for that. And I would like to wish all the best to all the aspirants. विनीत, आप थोड़ी सी जीएस की स्ट्रेटजी की बात करते हैं कि हर पेपर का, तो एक एक पेपर करके टिकअप करते हैं। सबसे पहले पेपर वन, जिसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी और सोसाइटी इस तरह के सब्जेक्ट हैं, आर्ट एंड कल्चर भी है, तो पेपर वन जनरल स्टडीज के बारे में थोड़ी संक्षेप में बताइए कि क्या स्ट्रेटजी आपने अडॉप्ट किया जो लोग शेयर करना चाहेंगे। सर, पेपर वन के रिलेशन में जो मेंस का सिलेबस है, हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो उसमें मॉडर्न इंडिया मेजर टॉपिक है और एक आर्ट एंड कल्चर मेजर टॉपिक है, तो उनसे आपको 3 से 4 क्वेश्चन दोनों टॉपिक से देखने को मिलेंगे मेंस के एग्जाम में। तो वो आप जब प्रीलिम्स की तैयारी करें, जब ही इतना अच्छे से तैयार कर लीजिए कि मेंस के टाइम पे आपको इतना टाइम उनको ना देना पड़े, एक रिविजन में ही काम चल जाए। तो वो प्रीलिम्स के टाइम पे ही इतना अच्छे से तैयार कर लिया था सर कि मेंस में फिर जो एक्स्ट्रा टॉपिक है, लाइक सोसाइटी हो गया, रीजनलिज्म हो गया, कम्युनलिज्म हो गया, और भी जो सोसाइटी वुमेन रिलेटेड इश्यूज हैं वो हो गए, तो उन पे आप ज्यादा ध्यान दे पाए जो कि आपने कभी भी नहीं पढ़े और जिनमें कन्फ्यूजन रहता है कि ये कहाँ से कवर किए जाए। तो वही मैं फिर दोबारा न्यूज़पेपर की बात पे आना चाहूंगा, ये टॉपिक इनके लिए स्टडी मटेरियल आप कहीं से ऐसा फिक्स स्टडी मटेरियल नहीं ले सकते। सपोज कोचिंग मटेरियल आप पढ़ते हैं, जैसे चाणक्य का ही हमारा मटेरियल था, टॉपिक्स वहां पे थे सोसाइटी रिलेटेड वुमेन रिलेटेड, आप बेसिक्स वहां से तैयार कर सकते हैं, बट जो करंट रिलेटेड आपको चीजें करनी है वो आप न्यूज़पेपर के बिना नहीं कर सकते। हाँ जी, उसको सप्लीमेंट कीजिए जो आपके स्टैटिक नोट्स हैं, और मेंस के टाइम पे जो आपने पूरा साल करंट अफेयर से सिलेबस को देखते हुए नोट्स बनाए हैं उनको रिवाइज कीजिए। एंड आई गारंटी यू, जब आप मेंस के अंदर जाएंगे तो आप एक दो सवाल प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं कि कौन सा सवाल वहां पे पूछा जा सकता है।
और वो आपका ये जो एडिशनल टॉपिक है वो आपके वहां से कवर हो जाएंगे। रही बात ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी भी मेनली कोई अगर करंट अफेयर रिलेटेड चीज है कि फ्लड्स हैं, अर्बन फ्लड्स हैं या अर्बन हीट आइलैंड्स इफेक्ट है, कोई ऐसा इफेक्ट या कोई ऐसी न्यूज आती है तो वो आप उसको नोट डाउन कीजिए, कोई नया ज्योग्राफिकल फिनोमिना आता है, या अगर स्टैटिक की बात है तो वो आप एनसीईआरटी से अपने नोट से आराम से कवर कर सकते हैं उन चीजों को। बहुत ही अच्छी बात कही आपने, अल्टीमेटिक करंट से तो हर जगह आपको अपडेट करना पड़ेगा और जो न्यूज में चीजें आ रही हैं वो आपके आकर्षण का कारण बनना चाहिए कि सिलेबस में से क्वेश्चन बन सकता है। वेरी जनरल स्टडीज पेपर टू, जिसमें इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरनेशनल रिलेशन जैसे सब्जेक्ट्स हैं, थोड़ी सी बात इसके करते हैं कि आपकी स्ट्रेटजी क्या रही इसकी प्रिपरेशन में। सर इन जो भी जीएस 1, 2, 3, 4 सब्जेक्ट्स हैं, अगर मैं कहूँ जिसमें सबसे ज्यादा करंट अफेयर्स की रेलेवेंस रहती है तो वो आपका GS2 ही रहता है, क्योंकि GS2 के रिलेशन में हर रोज सुप्रीम कोर्ट की कोई ना कोई जजमेंट आती है, फ्रीक्वेंट जजमेंट्स आती है, इंटरनेशनल अफेयर्स बहुत डायनामिक है, बहुत जल्दी चेंज करता है, आपके नेबर्स के साथ रिलेशन, किसी और कंट्री के साथ रिलेशन काफी डायनामिक पोर्शन है और बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज करता है, तो आपको इसमें जो करंट अफेयर्स का डोमेन है वो काफी हद तक ज्यादा रहता है। तो आपके एक तो पॉलिटी के जो स्टैटिक चीजें हैं वो क्लियर होने चाहिए कि कौन सा आर्टिकल किस चीज से रिलेटेड है ना, DPSP क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या है, एग्जीक्यूटिव कैसे काम करता है, लेजिस्लेचर कैसे काम करता है, और ये सब चीजें आपकी प्रीलिम्स के टाइम पे ही तैयार हो जानी चाहिए कि आपको दोबारा लक्ष्मीकांत इतनी टाइम ना लगे पढ़ने में, एक रिवीजन आपका फटाफट हो जाए और आपका बेस तैयार हो कि कुछ भी पूछ ले मैं उस पे आंसर लिख दूंगा। देन आती है करंट अफेयर्स की बात कि पॉलिटी में कोई ट्राइब्यूनल्स बिल आ गया या ट्रांसजेंडर रिलेटेड बिल आ गया, कोई भी ऐसा बिल आ गया, कोई भी सोशल वेलफेयर स्कीम आ गई, तो वो आपको न्यूज़पेपर से उठा के उसके जो मेन पॉइंट और इवैल्यूएशन है वो नोट डाउन करनी है। GS2 में और भी एडिशनल टॉपिक है लाइक एनजीओ और सेल्फ हेल्प ग्रुप कैसे काम करते हैं, तो उनका स्टैटिक जो पोर्शन है वो आप इससे तैयार कर सकते हैं अपने नोट से, और करंट से आपको चीजें पता होनी चाहिए। जैसे कोविड टाइम पे सर, कोविड टाइम पे मैं आपको एग्जांपल दूं तो एनजीओ से रिलेटेड जैसे FCRA वगैरह तो हम पढ़ते हैं उनकी फंडिंग पे जो भी रेगुलेशंस गवर्नमेंट लाती है, बट कोविड के टाइम पे गवर्नमेंट ने एनजीओ को क्लस्टर इन किया था, EG6 ग्रुप बनाया था गवर्नमेंट ने, ताकि क्योंकि गवर्नमेंट की नीचे तबके लेवल तक इतनी नहीं है, जो डिसएडवांटेज पीपल हैं गवर्नमेंट हर जगह नहीं पहुंच सकती, तो उन्होंने एनजीओस की हेल्प ली थी और ये ग्रुप गवर्नमेंट ने बनाया था, तो इस ग्रुप के हेल्प से एनजीओस को इन्होंने राशन प्रोवाइड किया और एनजीओस ने इंटर्न जो डिसएडवांटेज सेक्शन है उनको राशन प्रोवाइड किया। तो ये जो एनजीओ का रोल था ये काफी प्रोमिनेंट रोल वहां पर देखा गया था, और आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोविड में GS2 में आपसे एनजीओ के रोल में बारे में वो पूछ सकता है क्योंकि इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन उन्होंने दी है। SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप हम बात करते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप का कितना बड़ा रोल रहा है वुमेन के सोसाइटी के अंदर ऊपर उठाने में, उनकी लाइवलीहुड को ऊपर उठाने में SHG का बहुत बड़ा रोल रहा है। कोऑपरेटिव्स का बहुत बड़ा रोल रहा है इंडिया के अंदर, मिल्क कोऑपरेटिव्स, हमें पता है कि इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क है, तो कोऑपरेटिव्स का बहुत बड़ा रोल रहा है, और अभी रिसेंट जजमेंट भी आई थी सुप्रीम कोर्ट की कि कोऑपरेटिव्स का रेगुलेशन थोड़ा क्वेश्चन में था, तो ऐसी चीजें भी करंट अफेयर्स में जो आ रही है टॉपिक से रिलेटेड वो आपकी नजर में होनी चाहिए। इंटरनेशनल अफेयर्स के हिसाब से कोई नई ग्रुपिंग आई है उसका इफेक्ट इंडिया पे क्या होगा, इंडिया के पॉलिसीज का इफेक्ट दुनिया पे क्या होगा, या दुनिया की पॉलिसीज का इफेक्ट इंडिया पे क्या होगा, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे NRC का इम्पैक्ट हमारे बांग्लादेश के साथ रिलेशन इम्पैक्ट करेगा या म्यांमार के साथ करेगा, ये ऐसी चीजें आपको इवेल्युएशन आपको करना आना चाहिए कि इन पॉलिसीज का इफेक्ट हमारे ऊपर या वर्ल्ड के ऊपर कैसा होने वाला है। गुड, वेरी गुड। पेपर 3 जो है उसमें काफी वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, साइंस टेक भी उसी में है, इकोनॉमी है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, बहुत सारी चीजें इसके अंदर है। वैसे आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो नेचुरली ये पेपर काफी इंटरेस्टिंग रहा होगा आपका, बट ऐसे कैंडिडेट जो ह्यूमैनिटीज के हैं जिनका साइंस का बैकग्राउंड नहीं भी है तो कैसे अपना बिल्डअप करें उसको, इसके बारे में थोड़ा संक्षेप में बताएं। सर थोड़ा सा यहाँ पे सर GS के रिलेशन में थोड़ी आयरनी यहाँ पे है क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा डर लगता था GS2 से, क्योंकि पॉलिटी से थोड़ा डर लगता है कि मेंस में अटेम्प्ट करने में थोड़ी बोलती है, बट फॉर्चुनेटली सबसे ज्यादा नंबर जो मेरे मेंस में वो GS2 में ही है, और मुझे सबसे पसंद GS3 है क्योंकि वो साइंस है, एनवायरमेंट है, और सबसे कम GS नंबर मेरे इसी में है, GS3 में। अच्छा, तो इसको हाँ जी, तो मुझे समझ गया, इसको मान के चले आपने इसको लाइटली लिया हुआ, ये तो हम जानते ही है। पता नहीं सर, मतलब हमेशा ऐसा लगता है कि GS3 काफी अच्छा हुआ है पर नंबर उसमें नहीं आते, बट GS2 ऐसा लगता है काफी खराब हुआ लेकिन उसमें नंबर आ जाते हैं।
तो शायद ये कभी कभार हर किसी के साथ हो जाता है क्योंकि नंबर कई बार फ्लक्चुएट कर जाते हैं। तो GS3 की मैं बताऊं तो सबसे ज्यादा सिलेबस अगर किसी GS सब्जेक्ट का है तो वो GS3 का है, क्योंकि इकोनॉमी एक पोर्शन है, इकोनॉमिक्स का खुद का ही सिलेबस बहुत ज्यादा हो जाता है। उसके बाद इन्वायरमेंट भी आता है, देन साइंस भी आता है, देन इंटरनल सिक्योरिटी भी आता है, देन डिजास्टर मैनेजमेंट भी आता है। तो बहुत बड़ा सिलेबस इसका हो जाता है। इसको करने का एक तरीका ये है कि मेंस में अगर हम जाएं तो साइंस में मेंस में डेप्थ में नहीं जाता यूपीएससी। यूपीएससी आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग चेक करना चाहता है कि आपको पता है मेन मेन टेक्नोलॉजी। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय नैनो टेक्नोलॉजी, या व्हाट डू यू मीन बाय बायोटेक्नोलॉजी, या कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो उसके बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा। तो ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएगा, बट आपकी वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग चेक करेगा कि आपको पता होना चाहिए कि इन टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, ये किस प्रिंसिपल पे काम करती है और इनकी रेलिवेंट एप्लीकेशन क्या है सोसाइटी के अंदर। कि नैनो टेक्नोलॉजी का इन्होंने इस बार हेल्थ से रिलेटेड कॉन्ट्रीब्यूशन पूछा था, क्योंकि कोविड चल रहा था, वैक्सीन तैयार हुई थी, तो वैक्सीन तैयार होना भी नैनो टेक्नोलॉजी के स्केल पे ही होती है वैक्सीन तैयार। तो उसी रेफरेंस में उन्होंने जनरल साइंस से सवाल पूछ लिया था, बट ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। इकोलॉजी में भी ऐसा ही, बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए कि वेटलैंड क्या होता है, डेजर्टिफिकेशन क्या होती है। उसी के रेफरेंस में जैसे डेजर्टिफिकेशन सबमिट 2019 में इंडिया के अंदर हुई थी, तो डेजर्टिफिकेशन के ऊपर उन्होंने ज्योग्राफी में सवाल पूछ लिया था, GS3 में नहीं GS1 में पूछ लिया था, बट वो एक इम्पोर्टेंट इवेंट था तो इसलिए उनको सवाल पूछना था। तो इकोलॉजी में भी आपके बेसिक कंसेप्ट और जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज हो रही है, कोई स्टेप लिए जा रहा है, जैसे पेरिस क्लाइमेट डील का जिक्र हमेशा होता ही रहता है, तो ये चीजें पता होनी चाहिए। इकोनॉमी में, इकोनॉमी जैसे कोविड के टाइम पे इकोनॉमी को भी काफी लॉस हुआ था, देन इकोनॉमी की रिकवरी कैसी होगी, न्यूज़पेपर में हर रोज आता था वी शेप रिकवरी होगी, के शेप रिकवरी होगी। तो ये जो कर्व्स हैं इनका बेसिक पता होना चाहिए आपको कि ये कर्व कैसे रिजल्ट करते हैं, किस वजह से रिजल्ट करते हैं। देन GST एक बहुत बड़ा फिनोमिना था, GST से सवाल आ ही जाता है कि GST की परफॉर्मेंस क्या रही है पिछले 4 साल में 5 साल में कैसी रही है। तो इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी मेन चीजें चल रही है, मेन इवेंट्स चल रहे हैं, वो पता होना चाहिए। कोई पॉलिसी इनिशिएटिव है, जैसे आत्मनिर्भर भारत बहुत बड़ा इनिशिएटिव था, तो पता होना चाहिए कि क्या क्या इनिशिएटिव उसके तहत हमने लिए थे। देन इंटरनल सिक्योरिटी के आपको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व्ड हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस इन्वॉल्व्ड हैं, तो जैसे रो हो गई, BSF हो गई, ITBP होगी, तो इन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए। और आपको इश्यूज पता होना चाहिए कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में क्या इश्यू फेस करता है इंडिया, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में क्या इश्यू फेस करता है, या मैरिटाइम सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इश्यू फेस करता है। तो ये सब चीजें इंटरनल सिक्योरिटी में क्लियर होनी चाहिए। देन डिजास्टर मैनेजमेंट में इंडिया इज अ वेरी डिजास्टर प्रोन कंट्री, साइक्लोन्स आते हैं, लैंडस्लाइड्स आते हैं, तो बेसिक्स हर पता होना चाहिए, फिनोमिना लैंडस्लाइड क्यों आते हैं, साइक्लोन क्यों आते हैं, फ्लड्स क्यों आते हैं, और उनके लिए मेजर्स क्या लेती है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के प्रिकॉशंस क्या हैं, या उनकी कोई गाइडलाइंस है तो वो क्या है। और कोशिश कीजिए कि GS3 के अंदर इकोनॉमी को अगर हम हटा दें, बाकी जो 4 टॉपिक है उसमें डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जरूर देखें, क्योंकि चाहे डिजास्टर मैनेजमेंट हो, चाहे इंटरनल सिक्योरिटी, साइंस या इकोलॉजी, सब में आप अपनी बात को डायग्रामेटिकली अच्छे से समझा सकते हो एग्जामिनर को। तो कोशिश कीजिए कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से, मैप रिप्रेजेंटेशन से आप चीजों को समझा पाए। बहुत बढ़िया। एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, 4th पेपर जनरल स्टडीज का, ये थोड़ा हटके पेपर है, अलग है, इसका कोई ट्रेडिशनल रूटीन पेपर से अलग है। तो एग्जामिनर इसमें कहाँ फोकस कर रहा है ज्यादा और उसकी तैयारी कैसे की आपने? सर, GS4 की अगर मैं बात करूं, एथिक्स की बात करें, तो मैं ये मानता हूं कि एथिक्स से डिफिकल्ट सब्जेक्ट भी कोई नहीं और एथिक्स से इजी सब्जेक्ट भी कोई नहीं, दोनों ही मतलब वो कर सकता है, वो कैंडिडेट पे डिपेंड करता है कि वो इसे इजी बना लेता है या वो इसे डिफिकल्ट बना लेता है। तो मेरी प्रिपरेशन में, मेंस की प्रिपरेशन में सबसे कम टाइम जो मैंने दिया वो एथिक्स को सब्जेक्ट को ही दिया है। मैंने लेक्सिकन की बुक रेफरेंस में ली थी, उससे जो स्टैटिक पोर्शन था कि व्हाट डू यू मीन बाय एटीट्यूड एप्टीट्यूड, ये जो स्टैटिक पोर्शन में चीजें, इनको समझने के लिए आई मेड डाउन नोट्स, नोट्स बनाए थे, 22-25 पेज के सारे नोट्स थे, वो सारी जो मेन टर्म्स थी वो थी, और कोई कोट्स इंपॉर्टेंट थे किसी साइंटिस्ट के तो वो भी उसके अंदर मौजूद थे। तो 22 से 25 पेजेस के वो सारे नोट्स थे और वही रिवाइज करके मैं GS4 दे के आता था। और फॉर्चुनेटली 2019 में मेरा स्कोर 140 था एथिक्स के अंदर, तो काफी अच्छा स्कोर था और इसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगाया था, 10 दिन के आसपास सिर्फ इस टॉपिक को तैयार करने में लगाए थे। तो मेन जो मेरी तरफ से राय है स्टूडेंट्स के लिए वो यही है कि एथिक्स का पेपर 2 भाग में डिवाइड होता है, 2 पार्ट्स में,
आधा पार्ट होता है केस स्टडीज वाला और पहला जो हाफ पार्ट होता है वो आपका स्टैटिक पोर्शन होता है जो आप आराम से इजी अटेम्प्ट कर सकते हैं कॉन्सेप्ट्स। हाँ जी सर, हाँ जी। तो आप अपनी तैयारी ऐसी रखिए कि जो 125 वाला बेसिक कॉन्सेप्ट वाला टॉपिक है उसमें कम से कम आप मार ना खा के आए, क्योंकि आप वो अपने हाथ में है वो तैयार करना और वो आपका अच्छे से तैयार होना चाहिए। बात रहती है केस स्टडीज की, केस स्टडीज में कई बार स्टूडेंट्स पैनिक करते कि कैसे अटेम्प्ट करें। अटेम्प्ट करने का बहुत इजी तरीका जो मेरे हिसाब से वो ये है कि उसमें आपसे पूछा जाता है कि आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कोर्स ऑफ एक्शन, एक कोर्स ऑफ एक्शन बता के उसी को एक्सप्लेन करके दे स्विच ओवर टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बट ऐसा नहीं होता, कभी भी आप किसी भी सिचुएशन में अपने आप को पाएंगे, चाहे रियल लाइफ सिचुएशन में, तो आपके पास ऐसा नहीं है कि एक ही ऑप्शन, आपके पास 3 से 4 ऑप्शन वहां पे अवेलेबल होते हैं कि मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये भी। आप सारे ऑप्शन बताइए, 4 ऑप्शन आपके पास है तो चारों बताइए कि मैं ये कर सकता हूँ, देन उन चारों की मेरिट और डीमेरिट इवेलुएट कीजिए। वहां पे एक कॉलम बनाइए, मेरिट और डीमेरिट के सेपरेट कॉलम। पहला ऑप्शन मेरे पास ये, मैं ये करूंगा, उसके मेरिट क्या होंगे, उसके डीमेरिट क्या होंगे। दूसरा ऑप्शन, उसके मेरिट क्या होंगे, उसके डीमेरिट क्या होंगे। देन जब आप कंक्लूजन पे जाएंगे फिर बताइए कि आप इन चारों में से कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे और क्यों जाएंगे। क्यों पे आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स का भी सहारा ले सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें ऐसे गाइड करता है तो मैं इस ऑप्शन के साथ जाना चाहूंगा। या आप किसी जो थिंकर्स रहे हैं, जो प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज रहे हैं, उनके रेफरेंस में भी बात करके अपने ओपिनियन को जस्टिफाई कर सकते हैं। बट ऐसा मत कीजिए कि एक ही एक्शन बता के आप चले आएं, क्योंकि कोर्स ऑफ एक्शन एक से ज्यादा होते हैं और आपको पता होना चाहिए कि सबकी मेरिट और डिमेरिट कैसी होती है। दूसरा, क्वेश्चन की डिमांड को अच्छे से समझिए। कई क्वेश्चन होते हैं जिनमें मेरिट डिमेरिट ना भी पूछे, कुछ और पूछ ले, तो आपको डिमांड का पता होना चाहिए और उसी हिसाब से आपको केस स्टडीज को अटेम्प्ट करना आना चाहिए। विनीत, जब सारी बातें जीएस का कर लिए तो थोड़ी सी एसएक की भी बात कर लेते हैं। जी सर, पेपर के बारे में आपका क्या अनुभव है? एसए में सर पिछले बार मेरे थोड़े कम नंबर थे, 112 थे, बट इस बार इम्प्रूव किया था, 131 नंबर थे। इस बार के मार्किंग के हिसाब से देर आर क्वाइट सेंसिबल नंबर्स। तो इस बार जो इम्प्रूवमेंट मैंने ऐसे में ये की थी कि ऐसे हमें लिखना है वहाँ पे 1200 वर्ड्स का, कोई मतलब 100-200 वर्ड का वहाँ पे ऐसे नहीं लिखना है। तो सबसे पहले जो आपके पास टाइम है, 1.5 घंटा आप एक ऐसे के लिए रखिए, 1.5 घंटा एक ऐसे के लिए। ऐसा नहीं है कि एक में आप 2 घंटे लगा रहे हैं, एक में आप 1 घंटा लगा रहे हैं, क्योंकि दोनों के मार्क्स सेम है। ऐसा नहीं है कि 2 घंटे लगा के आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो टाइम अपना सेपरेट रखिए, 1.5 1.5। देन 1.5 में से जो पहला ऐसे सपोज आप अटेम्प्ट करने वाले हैं, 9 से 10:30 के बीच में अटेम्प्ट करने वाले हैं, तो 9 to 9:15 आप 15 मिनट रफ पेज उठाइए, रफ पेज पे अपना स्ट्रक्चर तैयार कीजिए कि मैं अपने ऐसे को ऐसे अप्रोच करूंगा कि पहले मैं इंट्रो दूंगा, इंट्रो किस रेफरेंस में दूंगा, देन जो बॉडी स्ट्रक्चर है मेरा वो किस रेफरेंस में जाएगा, पहले मैं पॉलिटिकल डायमेंशन समझाऊंगा, पहले मैं इकोनॉमिक समझाऊंगा, या किस तरीके से मुझे अप्रोच करना है। तो वो बेसिक जो स्ट्रक्चर है आपका ऐसे का, आपके पास रफ पेज पे तैयार होना चाहिए, क्योंकि अगर आप वो चीज नहीं करेंगे और सीधा ऐसे लिखने लग जाएंगे तो यकीन मानिए, आई कैन मेक यू बिलीव कि 2 पेज के अंदर आपका मैटर खत्म हो जाएगा, आपको लगेगा कि इसके बाद मैं क्या लिखूं। और आपकी जो स्ट्रक्चर तैयार कर लीजिए उसका। हाँ जी, हाँ जी, स्ट्रक्चर तैयार कर लीजिए, रिदम तैयार कर लीजिए कि मैं ऐसे अप्रोच करूंगा। कई बार सर ऐसे में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो रिदम की होती है कि आप एक स्टोरी लाइन बना के चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप कंक्लूजन पहले दे रहे हैं, इंट्रोडक्शन बाद में दे रहे हैं, या जो रेलिवेंट चीज आपको पहले बतानी है वो आप आखिरी में बता रहे हैं। तो एक रिदम ऐसे की होनी चाहिए सर। और अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि वो रिदम से क्या मतलब है, तो आप जो एडिटोरियल न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं आप हमेशा उनको ऑब्जर्व कीजिए। एडिटोरियल शुरू इंट्रो से होता है, खत्म कंक्लूजन पे होता है, वे फॉरवर्ड से खत्म होता है, और बॉडी स्ट्रक्चर भी उसका एक रिदम से चलता है। तो आपको अगर समझ नहीं आ रहा तो आप एडिटोरियल के रेफरेंस में ये सोच सकते हैं कि मुझे भी अपना ऐसे इसी तरीके से तैयार करना है। रही बात इंट्रो की, तो आप उसमें शॉर्ट स्टोरी से भी शुरुआत कर सकते हैं, किसी टॉपिक से रिलेटेड आप अपने लाइफ से रियल स्टोरी भी ले सकते हैं, या किसी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी की स्टोरी भी वहां पे इंक्लूड कर सकते हैं। और 2-3 कोट्स आपके पास अच्छे अच्छे होने चाहिए उस टॉपिक से रिलेटेड। ऐसा भी नहीं है कि आप पूरा ऐसे कोट से भर दें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। 1-2 अच्छी स्टोरीज, 2-4 अच्छे कोट्स और कुछ अच्छे फैक्ट्स जो आपके आर्ग्यूमेंट को सब्सटेंशिएट कर सकें, और एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर और रिदम आपके ऐसे में होना चाहिए। बहुत अच्छी, सबसे इम्पोर्टेंट बात आप जो कह रहे हैं कि एक फ्लो ऑफ लैंग्वेज, कंसिस्टेंसी ऑफ थॉट, वो बहुत इम्पोर्टेंट। और एक बहुत बड़ी बात आपने कही कि रफ वर्क करना, कि आपके वही पेपर में होता है लेकिन उसके ऊपर में लिख भी देना चाहिए क्रॉस करके, ग्राफ
ये भी इसके एग्जामिनर को बड़ा अपील करता है कि आपने पहले लिखने से पहले स्ट्रेटजी बनाई, देन यू हैव टेकन पॉइंट टू पॉइंट, सो दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस. बहुत अच्छी बात है, उम्मीद है कि इससे के इस डायरेक्शन से लोगों को काफी फायदा मिलेगा. ऐसे का सिलेक्शन भी बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें ऑप्शंस भी बहुत हैं, तो कैंडिडेट को अपने एप्टीट्यूड के हिसाब से ऐसे को चुनना चाहिए. और ऐसे है जहां जो अपने उसमें अपनी फ्लो ऑफ लैंग्वेज एंड कंसिस्टेंसी बना सके, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. विन इन सिविल सर्विसेज स्पेशलिटी टेस्ट जिसको कहते हैं लोग आईएएस इंटरव्यू बोलते हैं, बट दिस असेसमेंट ऑफ सिविल सर्विस स्पेशलिटी टेस्ट के बारे में, एक ही बार आप गए इंटरव्यू तक भी क्या अनुभव रहा और आपने तैयारी कैसे शुरू की, जैसे आप स्पेशलिटी टेस्ट का यदि जब आपको आया कि भाई अब सिलेक्शन हो गया इंटरव्यू में जाने वाले हैं तो क्या किया फिर आपने? सर सबसे पहले तो जैसे मेंस का रिजल्ट आता है तो उससे तो वैसे ही मतलब बंदा अपने आप को अचीवर फील करता है कि मेंस हमने क्वालिफाई कर लिया है, अब तो इंटरव्यू में जा रहे हैं. हाँ जी, इंटरव्यू में जाना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है. तो इंटरव्यू जब आया था तो उस जब यही स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे थे कि अब आगे क्या करना है. पर्सनैलिटी टेस्ट है, फर्स्ट टाइम है हमारा मेंस, तो फिर भी सेकंड टाइम बैठे थे तो कुछ नहीं पता था कि क्या होगा कैसे अप्रोच करना है. तो उसमें जैसे मॉक टेस्ट वगैरह लगाए, एक आधे मॉक टेस्ट लगाए, उसके बाद यही सबने राय दी कि कॉन्फिडेंस एक तो होना चाहिए आपके अंदर. जब आप कम्युनिकेशन सामने वाले के साथ कर रहे हो तो यू शुड फील कॉन्फिडेंट कि आपको चीजें पता है और अपना अपना ओपिनियन कॉन्फिडेंटली आप पुट डाउन कर सकते हो. तो सबसे पहली चीज कॉन्फिडेंस, दूसरा आपके पास नॉलेज भी होनी चाहिए. जैसे हम कई बार कहते हैं बिल्कुल पर्सनैलिटी टेस्ट होता मेनली पर्सनैलिटी के लिए ही है, बट आपको नॉलेज भी वहां पे जरूरी है क्योंकि बिना नॉलेज आप बोल ही नहीं पाओगे कुछ. तो नॉलेज भी आपके पास होनी चाहिए और वो नॉलेज आपको अच्छी तरीके से वहां पे कन्वे भी करनी आनी चाहिए. जिसके पास नॉलेज अच्छी है बट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है तो वो भी मार खा जाएगा, और जिसके पास कम्युनिकेशन अच्छी है पर नॉलेज नहीं है वो भी मार खा जाएगा. तो बैलेंस आपको दोनों के अंदर बनाना है. मेनली पर्सनैलिटी टेस्ट के अंदर अपना जो ऑप्शनल है उसको अच्छे से तैयार करके जाइए, आपका जो डिग्री बैकग्राउंड है उसको अच्छे से तैयार करके जाइए, और जो भी डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में आपने हॉबीज अचीवमेंट्स अपनी लिखी हैं उसके रेफरेंस में भी आपके पास मैटर पूरा तैयार होना चाहिए. और दूसरा करंट अफेयर्स में जो भी रेलिवेंट चीजें चल रही हैं पिछले 3-4 महीने में जब तक आपका इंटरव्यू नहीं आता, तो वो भी आपको अच्छे से तैयार ओपिनियन आपका उस पर तैयार होना चाहिए. मेरा सर पर्सनली जैसे एनिमल हस्बेंड्री काफी रेयर ऑप्शनल हो जाता है, काफी कम बच्चे जाते जा पाते हैं इंटरव्यू में, तो आई थिंक मैं ही शायद इस बार था एनिमल हस्बेंड्री ऑप्शनल से, तो मेरा 90% इंटरव्यू एनिमल हस्बेंड्री पे ही था क्योंकि मेरा ऑप्शनल भी वही था, डिग्री भी उसी में थी और वर्क एक्सपीरियंस भी उसी में था. अगर किसी बंदे के ये तीनों अलग अलग हैं तो उससे तीनों पे ही सवाल पूछे जाएंगे, तो ये थोड़ा एडवांटेज रहा था. तो वो मेनली सर जो पर्सन होते हैं चेयरमैन सर होते हैं या बोर्ड मेंबर्स होते हैं काफी जेन्युइन होते हैं. जैसे शुरू में कैंडिडेट्स को डर लगता है कि वहां जाके क्या होगा, जैसे जब मैं एंट्री की तो चेयरमैन सर ने बोला कि रिलैक्स करो, पानी वानी पियो, हम बस कुछ सवाल पूछेंगे आप जवाब दे देना, ऐसा कोई पैनिक करने की बात नहीं है. तो काफी कंफर्टेबल एनवायरनमेंट होता है, कॉन्फिडेंटली आप बस बात कीजिए उनसे अच्छे से और यू विल गो थ्रू द इंटरव्यू. आपका किसका बोर्ड था आपका? सर मेरा चौबे सर का बोर्ड था. तो आपकी जर्नी बड़ी रोचक रही है, मुझे पूरी उम्मीद है Yes, कि आपकी इस पूरी सक्सेस स्टडी जो आपने काफी डिटेल में कवर किया है स्टूडेंट को काफी काम आएगा एंड उसका बेनिफिट उठा पाएंगे. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन दिस प्रोग्राम एंड शेयरिंग योर होल स्ट्रेटजी और सक्सेस वेरी फ्लुएंटली. वेरी आपने ऑनेस्टली हर चीज को शेयर किया है. थैंक यू वेरी मच. ओके सर. थैंक यू सर. Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.